अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जिंदगी का राज यही है कि जहां रहो, जिस हालत में रहो, खुश रहो, मुतमईन रहो। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आरजी शय है। कुरान करीम का सिर्फ मुतालिया ही ना किया करो, बल्कि इसको समझने की भी कोशिश करो। मुसीबत एक अतिया खुदावंदी है, ताकि इंसान पूरी ज़िंदगी का मुशाहदा कर लें। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है, नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। जिंदगी के जिस चाक को अकल नहीं सी सकती, मोहब्बत उसे अपनी तार और सुई के बगैर सी लेती है। फ़कर की पहली मंजिल कस्बे हिलाल है, नूरे ईमान भी कस्बे हिलाल ही से पैदा होता है। काम मेरी नज़र में ऐसे ही मुकद्दस है जैसे इबादत। तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ के मुसलमान भी हो। मुसलमान के लिए जाए पनाह सिर्फ कुरान है। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए, इबादत की एक शक्ल है। अगर ईमान ख़त्म हो जाए तो सलामती नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई ज़िंदगी है। दिन और रात की इस दुनिया में ना उलझें, आपके पास भी एक और वक्त और जगह है। रूह ना तो जिस्म के बाहर है और ना अंदर, ना इसके करीब और ना ही इससे जुदा। इंसान बुनियादी तौर पर जज्बे और जबिल्लत से चलता है। इस्लाम खुद ही तकदीर है और इसका मुकद्दर नहीं होगा। अगर शायरी का मकसद इंसान बनाना है, तो शायरी की पेशगोई का वारिस है। मैंने कभी अपने आप को शायर नहीं समझा, मुझे शायराना फन्ने नगारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझ से है, यूरोप से नहीं।